तो गाइस अगर आपका बजट 8000 रुपये, अगर आप 8000 रुपये में एक बेस्ट स्मार्टफोन लेना चाहते हैं और आपको कहीं पे स्मार्टफोन नहीं मिला है, तो आपको इस वीडियो के अंदर जरूर एक ना एक स्मार्टफोन जरूर पसंद आएगा। तो गाइस वीडियो को एंड तक जरूर देखेगा, इसमें आपको काफ़ी अच्छे फीचर वाले स्मार्टफोन देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि आपको 4GB रैम वाले स्मार्टफोन देखने को मिल जाएंगे, बेस्ट गेमिंग स्मार्टफोन देखने को मिल जाएंगे और बिग बैटरी वाले स्मार्टफोन देखने को मिल जाएंगे। अगर आप कोई कैमरे के लिए स्मार्टफोन लेना चाहते हैं तो आप कैमरे वाले स्मार्टफोन देखने को मिल जाएंगे। तो गाइस पूरी जानकारी के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। यहाँ पे आपको Realme Narzo 20A देखने को मिल जाएगा, जो कि काफ़ी डिज़ाइन वाइज काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाएगा। तो इसमें 9000 रुपये के अंदर आपको ये स्मार्टफोन देखने को मिल जाएगा, जिसमें आपको 4GB रैम देखने को मिल जाएगी, 64GB का स्टोरेज देखने को मिल जाएगा, जिसे आप 256GB तक एक्सपेंड कर सकते हैं। अब इसके फीचर्स वाइज बात करते हैं, इसमें आपको 6.5 इंच की HD+ डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी, जिसके साथ आपको गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन देखने को मिल जाएगी। तो कलर वाइज काफ़ी अच्छी इसमें आपको डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी। अभी इसके कैमरे के बारे में बात करते हैं, तो गाइस इसमें आपको 3 कैमरा देखने को मिल जाएंगे, जिसमें मेन कैमरा 12 मेगापिक्सल का है और 8 मेगापिक्सल का फ्रंट सेल्फी शूटर कैमरा देखने को मिल जाएगा, जो कि कटआउट देखने को मिल जाएगा। इसमें आपको इमेज क्वालिटी काफ़ी अच्छी देखने को मिल जाएगी। अब इसकी बैटरी के बारे में बात करते हैं, तो इसमें आपको 5000mAh की बैटरी देखने को मिल जाएगी, जिसके साथ आपको 10W की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। अब इसके प्रोसेसर के बारे में बात करते हैं, तो इसमें आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 665 का प्रोसेसर देखने को मिल जाएगा, जो कि काफ़ी पावरफुल चिपसेट है गेमिंग के लिए। मल्टीटास्किंग आप इजीली कर सकते हैं, हाई ग्राफिक में आप गेमिंग कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा स्मार्टफोन देखने को मिल जाएगा। इसमें आपको बैक में फिंगरप्रिंट देखने को मिल जाएगा, काफ़ी अच्छे फीचर देखने को मिल जाएंगे। गेमिंग के लिए आप इस स्मार्टफोन को ले सकते हैं, कैमरा वाइज इस स्मार्टफोन को ले सकते हैं। Redmi 8A Dual, जहाँ दोस्तों ये काफ़ी अच्छा स्मार्टफोन है और इसकी डिज़ाइन तो आपको काफ़ी अच्छी देखने को मिल जाएगी और ये काफ़ी अच्छा स्मार्टफोन देखने को मिल जाएगा, काफ़ी पावरफुल इसमें आपको प्रोसेसर और बैटरी देखने को मिल जाएगी। तो गाइस अब इसके फीचर्स के बारे में बात करते हैं, तो इसमें आपको बैक में प्लास्टिक बॉडी देखने को मिल जाएगी। तो गाइस अब इसकी डिस्प्ले के बारे में बात करते हैं, तो इसमें आपको 6.22 इंचेस की HD+ डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी, जो कि IPLCD डिस्प्ले है। तो गाइस जियो की वाटर ड्रॉप नॉच देखने को मिल जाएगा, तो इसके साथ आपको 2.5D कवर ग्लास देखने को मिल जाएगा। तो गाइस डिस्प्ले की क्वालिटी और परफॉर्मेंस आपको काफ़ी अच्छी देखने को मिल जाएगी। अभी इसके कैमरे के बारे में बात करते हैं, तो इसमें आपको बैक में डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिल जाएगा, जिसमें मेन कैमरा 13 मेगापिक्सल का है और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर देखने को मिल जाएगा और इसमें आपको 8 मेगापिक्सल का फ्रंट सेल्फी शूटर कैमरा देखने को मिल जाएगा। तो गाइस इमेज क्वालिटी आपको काफ़ी अच्छी देखने को मिल जाएगी, इसमें आप 1080 में वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो 30fps पे। तो काफ़ी अच्छे इसमें आपको कैमरा देखने को मिल जाएगा। और इसकी बैटरी के बारे में बात करते हैं, तो इसमें आपको 5000mAh की बैटरी देखने को मिल जाएगी, जिसके साथ आपको 18W की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। तो गाइस बैटरी आपको 2 से 3 दिन का बैकअप नॉर्मल देगी। अब इसके प्रोसेसर के बारे में बात करते हैं, तो इसमें हमें स्नैपड्रैगन 439 का प्रोसेसर देखने को मिल जाएगा, जो कि ऑक्टा कोर प्रोसेसर है और गेमिंग के लिए अगर आप कोई स्मार्टफोन लेना चाहते हैं तो आप इस स्मार्टफोन को ले सकते हैं। इसमें आपको डुअल सिम स्लॉट देखने को मिल जाएगा। अदर फीचर्स के बारे में बात करते हैं, तो इसमें आपको फिंगरप्रिंट देखने को नहीं मिलेगा, फेस अनलॉक देखने को मिल जाएगा, 3.5mm हेडफोन जैक देखने को मिल जाएगा। तो ये एंड्रॉइड V9 5 पर स्मार्टफोन रन करता है। तो अब इसके रैम और स्टोरेज के बारे में बात करते हैं, तो इसमें आपको 3GB रैम देखने को मिल जाएगी, 32GB का स्टोरेज देखने को मिल जाएगा, जिसे आप 512GB तक एक्सपेंड कर सकते हैं। तो इसकी प्राइस आपको 8000 रुपये देखने को मिल जाएगी और इसमें आपको एक और वेरिएंट देखने को मिल जाएगा, 2GB रैम 32GB का स्टोरेज, जो कि आपको 7499 रुपये में देखने को मिल जाएगा। तो गाइस इसकी ओवरऑल परफॉर्मेंस के बारे में बात करते हैं, तो अगर आप एक गेमिंग स्मार्टफोन लेना चाहते हो, एक लंबी बैटरी वाला स्मार्टफोन लेना चाहते हैं, वो भी 8000 रुपये में या 7000 रुपये में, तो आप Redmi 8A Dual को ले सकते हैं, जो कि काफ़ी अच्छा स्मार्टफोन है भाई प्राइस पॉइंट के हिसाब से। तो इसे आप चेकआउट कर सकते हैं, काफ़ी अच्छे स्मार्टफोन होने वाला है। Redmi 9, जी हाँ दोस्तों, ये Redmi की तरफ से काफ़ी अच्छे स्मार्टफोन देखने को मिल जाएगा, तो इसकी डिज़ाइन आपको काफ़ी अच्छी देखने को मिल जाएगी। तो गाइस इसके मेन फीचर्स के बारे में बात करते हैं, सबसे पहले इसकी डिस्प्ले के बारे में बात करते हैं, तो इसमें आपको 6.53 इंच की HD+ डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी, जो कि वाटर नॉट डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी। तो इसमें डिस्प्ले क्वालिटी आपको काफ़ी अच्छी देखने को मिल जाएगी। अब इसके कैमरे के बारे में बात करते हैं, तो इसमें आप गाइस डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिल जाएगा, जिसमें मेन कैमरा 13 मेगापिक्सल का है और 5 मेगापिक्सल का फ्रंट सेल्फी शूटर कैमरा देखने को मिल जाएगा। तो इमेज क्वालिटी आपको काफ़ी अच्छी देखने को मिल जाएगी। अब इसकी बैटरी के बारे में बात करते हैं, तो इसमें आपको 5000mAh की बैटरी देखने को मिल जाएगी, जिसके साथ आपको 10W की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। तो यार इसमें आपको 1 से 1.5 दिन का बैकअप आराम से देगी।
अभी इसके प्रोसेसर के बारे में बात करते हैं तो इसमें आपको मीडियाटेक का हेलो G35 प्रोसेसर देखने को मिल जाएगा जो कि ऑक्टाकोर प्रोसेसर है, जो कि ये स्मार्टफोन एंड्रॉयड V10 पर रन करता है। तो गाइस काफ़ी पावरफुल चिपसेट देखने को मिल जाएगा प्राइस पॉइंट के हिसाब से। इसमें आपको नॉर्मल वर्क कर सकते हैं, इजीली मल्टीटास्किंग कर सकते हैं और किसी भी गेम को हाई ग्राफिक में आप इजीली रन कर सकते हैं। अब इसमें रैम और स्टोरेज के बारे में बात करते हैं तो इसमें आपको 4GB रैम देखने को मिल जाएगी, 64GB का स्टोरेज देखने को मिल जाएगा जिससे आप 512GB तक एक्सपेंड कर सकते हैं। तो गाइस इसमें आपको डुअल सिम स्लॉट देखने को मिल जाएगा। अब इसमें अदर फीचर्स के बारे में बात करते हैं तो इसमें आपको फिंगरप्रिंट देखने को मिल जाएगा, फेस अनलॉक देखने को मिल जाएगा, 3.5mm ऑडियो जैक देखने को मिल जाएगा। तो गाइस इसमें आप मल्टीटास्किंग करना चाहते हैं, हल्की फुल्की गेमिंग करना चाहते हैं और 4GB रैम वाला स्मार्टफोन चाहिए तो आप इस स्मार्टफोन को ले सकते हैं। और इस स्मार्टफोन में आपको थोड़ा बड़ा पानी गिर जाता है तो कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है, काफ़ी अच्छे स्मार्टफोन है। अब इसकी प्राइस के बारे तो अगर गाइस आप एक नॉन चाइनीज स्मार्टफोन लेना चाहते हैं तो माइक्रोमैक्स N1B को आप चेकआउट कर सकते हैं। तो गाइस काफ़ी अच्छा स्मार्टफोन है और इसकी डिज़ाइन आपको काफ़ी बढ़िया देखने को मिल जाएगी। अब इसके मेन फीचर्स के बारे में बात करते हैं तो इसमें आपको डुअल सिम स्लॉट देखने को मिल जाएगा। तो अब इसके डिस्प्ले के बारे में बात करते हैं तो इसमें आपको 6.52 इंचेस की HD+ डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी जो कि वाटर ड्रॉप नॉच देखने को मिल जाएगा। तो अभी इसकी कैमरे के बारे में बात करते हैं तो गाइस इसमें आपको डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिल जाएगा जिसमें मेन कैमरा 13 मेगापिक्सल का है और 8 मेगापिक्सल का फ्रंट सेल्फी शूटर कैमरा देखने को मिल जाएगा। तो गाइस इसमें इमेज क्वालिटी आपको काफ़ी अच्छी देखने को मिल जाएगी, बेहतर इमेज क्वालिटी देखने को मिल जाएगी प्राइस पॉइंट के हिसाब से। अब इसमें बैटरी के बारे में बात करते हैं तो इसमें आपको 5000mAh की बैटरी देखने को मिल जाएगी जिसके साथ आपको 10W की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। तो ये आपको 1 से 1.5 दिन का बैकअप आराम से देगी। अब इसके प्रोसेसर के बारे में बात करते हैं तो इसमें आपको मीडियाटेक का हेलो G35 प्रोसेसर देखने को मिल जाएगा जो कि काफ़ी पावरफुल चिपसेट है। आप इसमें गेम इजीली रन कर सकते हैं, हाई ग्राफिक पे खेल सकते हैं, नॉर्मल वर्क आराम से कर सकते हैं। अब इसमें आपको एंड्रॉयड V10 पे ये स्मार्टफोन रन करता है। अब इसके रैम और स्टोरेज के बारे में बात करते हैं तो गाइस इसमें आपको 4GB रैम देखने को मिल जाएगी, 64GB का स्टोरेज देखने को मिल जाएगा जिसे आप 512GB तक एक्सपेंड कर सकते हैं। तो गाइस इसमें आपको काफ़ी अच्छे फीचर देखने को मिल जाएंगे जैसे कि फिंगरप्रिंट देखने को मिल जाएगा, फेस अनलॉक देखने को मिल जाएगा जिसके साथ आपको 3.5mm ऑडियो जैक देखने को मिल जाएगा। इसमें आप 1080p वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो गाइस काफ़ी अच्छे स्मार्टफोन है, गेमिंग के लिए अगर आप एक 8000 रुपये के अंदर स्मार्टफोन लेना चाहते हैं तो आप इस स्मार्टफोन को ले सकते हैं। काफ़ी पावरफुल चिपसेट इसमें आपको देखने को मिल जाएगा प्राइस पॉइंट के हिसाब से, बैटरी भी आपको अच्छी खासी देखने को मिल जाएगी। तो आप इस स्मार्टफोन को चेकआउट कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा स्मार्टफोन है ये, स्टॉक एंड और एक्सपीरियंस इसमें आपको देखने को मिल जाएगा। तो गाइस काफ़ी अच्छा स्मार्टफोन देखने को मिल जाएगा Redmi 9। जी हाँ दोस्तों, ये Redmi की तरफ से काफ़ी अच्छा स्मार्टफोन देखने को मिल जाएगा। तो इसकी डिज़ाइन आपको काफ़ी अच्छी देखने को मिल जाएगी। तो गाइस इसके मेन फीचर्स के बारे में बात करते हैं, सबसे पहले इसकी डिस्प्ले के बारे में बात करते हैं तो इसमें आपको 6.53 इंचेस की HD+ डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी जो कि वाटर नॉट डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी। तो इसमें डिस्प्ले क्वालिटी आपको काफ़ी अच्छी देखने को मिल जाएगी। अब इसके कैमरे के बारे में बात करते हैं तो इसमें आप गाइस डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिल जाएगा जिसमें मेन कैमरा 13 मेगापिक्सल का है और 5 मेगापिक्सल का फ्रंट सेल्फी शूटर कैमरा देखने को मिल जाएगा। तो इमेज क्वालिटी आपको काफ़ी अच्छी देखने को मिल जाएगी। अब इसकी बैटरी के बारे में बात करते हैं तो इसमें आपको 5000mAh की बैटरी देखने को मिल जाएगी जिसके साथ आपको 10W की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। तो यार इसमें आपको 1 से 1.5 दिन का बैकअप आराम से देगी। अब इसके प्रोसेसर के बारे में बात करते हैं तो इसमें आपको मीडियाटेक का हेलो G35 प्रोसेसर देखने को मिल जाएगा जो कि ऑक्टाकोर प्रोसेसर है, जो कि ये स्मार्टफोन एंड्रॉयड V10 पर रन करता है। तो गाइस काफ़ी पावरफुल चिपसेट देखने को मिल जाएगा प्राइस पॉइंट के हिसाब से। इसमें आपको नॉर्मल वर्क कर सकते हैं, इजीली मल्टीटास्किंग कर सकते हैं और किसी भी गेम को हाई ग्राफिक में आप इजीली रन कर सकते हैं। अब इसमें रैम और स्टोरेज के बारे में बात करते हैं तो इसमें आपको 4GB रैम देखने को मिल जाएगी, 64GB का स्टोरेज देखने को मिल जाएगा जिससे आप 512GB तक एक्सपेंड कर सकते हैं। तो गाइस इसमें आपको डुअल सिम स्लॉट देखने को मिल जाएगा। अब इसमें अदर फीचर्स के बारे में बात करते हैं तो इसमें आपको फिंगरप्रिंट देखने को मिल जाएगा, फेस अनलॉक देखने को मिल जाएगा, 3.5mm ऑडियो जैक देखने को मिल जाएगा। तो गाइस इसमें आप मल्टीटास्किंग करना चाहते हैं, हल्की फुल्की गेमिंग करना चाहते हैं और 4GB रैम वाला स्मार्टफोन चाहिए तो आप इस स्मार्टफोन को ले सकते हैं। और इस स्मार्टफोन में आपको थोड़ा बड़ा पानी गिर जाता है तो कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है, काफ़ी अच्छे स्मार्टफोन है। अब इसकी प्राइस के बारे में बात करते हैं तो ये 8799 रुपये में देखने को मिल जाएगा। तो गाइस काफ़ी अच्छे स्मार्टफोन है, सारे स्मार्टफोन का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा तो आप वहाँ पर जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो गाइस वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं।